मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, मैक रेटिना हॉस्पिटल इंदौर। मैं एक रेटिना सर्जन हूँ और अपनी प्रैक्टिस में जब मैं सोचता हूँ कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं ना, कुछ टाइम ऐसे होता है जब कोई पेशेंट्स आते हैं और जब आपको उसको देख के बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है जैसे कि दिल के अंदर किसी ने बिल्कुल फांस चुभो दी। वो पेशेंट्स वो होते हैं जब हम वो पूरी तरह ब्लाइंड होते हैं और वो बहुत यंग होते हैं। आज समझ लीजिए आपको एक 40-45 साल की एज हो जिसके ऊपर अपने यंग हो मेल, जो इसके ऊपर अपने परिवार का बोझ हो, आज उसके लिए वो अर्निंग मेंबर हो और वो ब्लाइंड हो जाए, कैसा लगेगा? और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। और ये पेशेंट्स वो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिन्हें बहुत एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और जानते हैं आप एक अच्छी बात कि इसे प्रिवेंट किया जा सकता था, इसे रोका जा सकता था। यानी कि हम इस तरह की ब्लाइंडनेस को जो कि डायबिटीज़ के कारण होती है उसे रोक सकते हैं। कैसे? अगर आप आपको डायबिटीज़ है या आपके नज़दीक में किसी को डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि वो नियमित रूप से अपनी आँखों के पर्दे का चेकअप करें। जब हम रेटिना का चेकअप करते हैं, आँखों के पर्दे का चेकअप करते हैं, तो हम उसमें देख लेते हैं कि कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, क्या पॉइंट्स हैं जहाँ दिक्कत आ रही है और उन्हें किस तरीके से इंजेक्शन के द्वारा या लेज़र के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है ताकि भविष्य में उन आँखों को डायबिटीज़ से होने वाले ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन में डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो आज ही आप ध्यान रखें खुद का, अपने आसपास जो भी डायबिटिक हैं उन्हें जरूर जरूर कहिए कि आप अपने रेटिना का चेकअप करवाएं।